दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आप सबसे वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन ईएक्स रेगुलर और प्रमोटेड वाले वैसे छात्र छात्राओं के लिए है जो बहुत ज्यादा कॉल करके, कमेंट करके, मैसेज करके कह रहे थे कि सर हम लोगों के रिजल्ट क्यों नहीं जारी हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। जब साइंस वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट जारी किया गया पार्ट टू का, तो उसमें भी हम लोगों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसके बाद पहले जब कॉमर्स वाला का जारी किया गया था, तो उसमें भी हम लोग का रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। क्या मामला है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। देखिए पिछले दो तीन दिनों से हमारा वीडियो थोड़ा लेट आता होगा, लेकिन सही और सटीक देने का प्रयास मैं जरूर सबसे ज्यादा करता हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को धैर्य बना करके रखना है। आप लोगों को कमेंट में देखता रहता हूँ और इसी हिसाब से वीडियो का सोल्यूशन लेकर के आप लोगों को बताता हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलिए पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग डिटेल में समझिए। जितने भी ईएक्स अर्थात प्रमोटेड हो गए थे प्रीवियस ईयर में छात्र छात्राएं, और उन्होंने फिर से उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप करके और एग्जाम्स दिए थे, उनका रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। इस चीज के बारे में एमएसयू के छात्र नेता अमन सक्सेना जी को कॉल किए कि ईएक्स रेगुलर वाले छात्र छात्राओं के लिए क्या सोल्यूशन है, क्यों नहीं जारी किया जा रहा है रिजल्ट। तो उनके ओर से जो जवाब आया बहुत ही एक तरह से खुशी का जवाब आया, और छात्र छात्राएं पास भी हो सकते हैं इस हिसाब से। देखिए उन्होंने कहा कि देखिए रिजल्ट जारी नहीं होने का कारण यह है कि विश्वविद्यालय के पास ईएक्स रेगुलर वाले छात्र छात्राओं का डाटा नहीं है। वैसे छात्र छात्राओं का डाटा पुराने डाटा एजेंसी के पास है, लेकिन दोनों में क्या है, टकराव चल रहा है। एक धर्म रथ पर बैठे एक पाप रथ पर बैठे, वही हो रहा है, अभी टकराव चल रहा है। इस कारण से वो डाटा नहीं दे रहा है और कोर्ट का डिसीजन सालों लग जाता है आने में। इसीलिए विश्वविद्यालय ने जो तरकीब निकाली है वो थोड़ा अच्छी लगी मुझे। देखिए कहा गया कि जो छात्र छात्राएं परीक्षा दिए हैं और उनके पास तो डाटा नहीं है, तो उन छात्र छात्राओं को कहां बुलाया जाएगा, यूनिवर्सिटी, जिनको टाइम दिया जाएगा। अभी आप लोगों को दौड़ करके नहीं जाना है, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कब जाना है आप लोगों को, ठीक है। यूनिवर्सिटी बुलाया जाएगा उनके एडमिट कार्ड को लेकर के, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में मार्कशीट होगा उनका, तो उसको लेकर के जाएंगे वे छात्र छात्राएं, और उसके हिसाब से उसको एवरेज मार्क दे करके पास कर दिया जाएगा। दोस्तों एवरेज मार्क दे करके पास कर दिया जाएगा। इस स्थिति में सभी छात्र छात्राएं जो एडमिट कार्ड और प्रीवियस ईयर के मार्कशीट लेकर के जाएंगे, वो सभी पास करार कर दिए जाएंगे, ऐसा उम्मीद हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उनके पास डाटा नहीं है तो तरकीब क्या निकालेंगे, छात्र तो फिर से एग्जाम दिए हैं, स्थिति में वो फेल भी नहीं कर सकते हैं किसी को। तो आप लोग एक्टिव रहिए, जब इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगा कि भाई साहब अब जाना है आप लोगों को यूनिवर्सिटी। घबराना आप लोगों को नहीं है, वेट कर लीजिए। और अमन सक्सेना जी से मैंने पूछा कि कितना दिन वेट करेगा, तो अमन सक्सेना जी बोले हैं कि कम से कम 5-7 दिन आप लोग जरूर वेट कर लीजिए, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा इसके बाद क्या हो जाएगा, बताइए। इसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी चले जाइएगा।